हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ इस हेल्दी चीले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाना तो आसान ही है और झटपट बन भी जाती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आपको बच्चे को लंच में देना है तो आप सुबह के भागदौड़ में इस चीले को बनाकर बच्चों के लंच में दे सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साबुत मूंग लिया है। मैंने 1 कप साबुत मूंग को भिगो दिया था। मैंने 3 से 4 घंटे भिगो दिए थे। अब भिगोकर मैंने पानी से निकाल लिया है और इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है ताकि जो भी गंदगी थी वो निकल जाए। अब हम एक जार लेंगे और जार में हम जितने भी हमने फुलाए हुए हैं, सोख किए हैं हरे वाले मूंग को, उसे हम जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपको जिस क्वांटिटी में बनानी है आप उस क्वांटिटी में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1 कप लिया है मूंग और 1 कप मूंग फूल कर 2 से 2.5 कप हो गई है। तो इसमें हम और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता धोकर ले लिया है। धनिया पत्ता से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चीले का। और इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और मैंने यहाँ पर 2 मिर्च लिया है। ये मिर्च बहुत तीखी है इसलिए मैंने 2 ही लिया है। अगर आपको और तीखा खाना है तो और ले सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए थोड़ा तीखा कम भी रखा है। और मैंने 1 प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके लिया है और मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली है। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे ताकि जो हम ग्राइंड करें मूंग की दाल को वो अच्छे से ग्राइंड हो सके, एकदम फाइन प्यूरी हम रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और सारा जो भी प्याज लहसुन सारे मिर्च वगैरह सब अच्छे से पीसकर रेडी हो गए हैं। तो मैंने 1 बड़ा वाला बाउल में इन सभी को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा अभी गाढ़ा है। इसमें मैंने यहाँ पर नमक नहीं ऐड किया था तो मैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ले लूँगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ले लीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो मैंने जिस जार में इसे ग्राइंड किया था उसी में से उसी को धोकर मैंने इसमें डाल लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही आसानी से चीला बनकर रेडी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे कभी भी शाम के नाश्ते में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। हेल्दी के साथ ये बहुत टेस्टी भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हल्की सी पतली की है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 तवा लिया है और तवे पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है। आप यहाँ पर तेल भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने घी लिया है, बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे डालकर मैंने जो बैटर हमने जो चीले के लिए लिया है वो डालकर स्प्रेड कर देना है। और फ्लेम को हमें लो ही रखना है, फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चुकंदर ले रही हूँ और थोड़ा सा मैंने ग्रेट किया हुआ गाजर लिया है। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो ना डालें। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है और थोड़ा सा मैंने प्याज को लच्छे में काट कर पतले पतले रखे थे स्लाइस से लिया है। और अगर आपके पास पनीर है तो आप पनीर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनकर रेडी हो गया है। इसे हम तवे पर से निकाल लेते हैं और इसी तरह से मैं सभी चीले को बना लूँगी। तो इसके इस तरह से बनाने से बच्चों में थोड़ी बहुत सब्जियां भी चली जाएगी
और बहुत ही हेल्दी भी होगी। ये एकदम प्रोटीन से भरपूर हमारा चीला बनकर रेडी हुआ है। इस तरह से आप बच्चे को बनाकर दे सकते हैं, बच्चे को बहुत ही पसंद आएगी। अगली बार से बच्चे बोलेंगे मुझे इसी तरह से ही बनाकर दो। तो मैं इसी तरह से सभी को बनाकर रेडी कर ली हूँ और इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी परोसिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।